नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टी20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान टीम के सफर पर फुल स्टॉप आखिरकार लग ही गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली 5 विकेट से हार के साथ ही बाबर आजम की टीम को दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि बाबर भले ही टीम को फाइनल में पहुंचाने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से जबरदस्त खेल दिखाया। कंगारू टीम के खिलाफ खेलते हुए बाबर ने टी20 इंटरनेशनल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने ही टीम के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन को पीछे छोड़ दिया। वहीं एक खास मामले में बाबर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महिला जयवर्धने से भी आगे निकल गए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 रनों की पारी खेलते ही बाबर आजम पहले टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने साल 2007 में मैथ्यू हेडन द्वारा बनाए गए 265 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बाबर ने इस टूर्नामेंट में 6 मैचों में 60 की औसत से 303 रन बनाए। फटाफट क्रिकेट के विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बाबर ने जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया। वहीं वो विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने से महज 17 रन दूर रह गए। टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने साल 2014 में 319 रन ठोके थे। बाबर आजम वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले विराट कोहली, दिलशान और महिला जयवर्धने यह कारनामा कर चुके हैं। बाबर के सलामी जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान ने भी हेडन को पीछे छोड़ा और उन्होंने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों में 281 रन मारे। पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19वें ओवर में टीम के हाथ से जीत फिसल गई। मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान और फकर जमा के दमदार अर्धशतकों के दम पर 176 रन बोर्ड पर लगाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वॉर्नर और उसके बाद मार्कस टोनिस और मैथ्यू हेड की धमाकेदार जोड़ी ने टीम को जीत दिला दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।